बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये संस्कृत का मॉडल पेपर होगा और लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव के छात्र छात्राएं भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है उनको लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो डाटा बताया जाएगा, जो जानकारी दी जाएगी, उन जानकारियों से ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो आप परेशान ना हो, और अगर ऑब्जेक्टिव का आपको पर्टिकुलर देखना ही है मॉडल पेपर, तो इससे पहले एक वीडियो जो हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करी है। तो आप वो ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर देख सकते हो। इससे पहले प्लेलिस्ट में संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें सिलेबस क्या है वो देख सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर भी मैंने डाल दिया, उसको भी देख लीजिएगा, और एक लिखित मॉडल पेपर हो जाएगा तो ये भी देख लीजिए। ओके, तीनों देख लीजिएगा, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार संस्कृत में किस प्रकार से लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनके उत्तर आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसको मैं बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। तो संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत के पेपर का आपके नाम है संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। संगणक माने होता है कंप्यूटर, और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में, और अनुवाद यानी कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से होता है, इसकी शैली क्या क्या होती है इसके बारे में, और संस्कृत गद्य साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ, और संस्कृत गद्य साहित्य है क्या, इसके बारे में आपको जानना पड़ता है। मुख्य रूप से दो कवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो मैंने आपको एक प्रकार से मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले आप दो कवि फेमस हैं, एक तो सुकनासो उपदेश आपको पढ़ना पड़ेगा, एक शिवराज विजयम आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे व्याख्या पूछी जाती है और दोनों से समीक्षात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और गद्य साहित्य का उद्भव विकास पढ़ना, जिसमें आप प्रमुख साहित्यकार बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, शूद्रक, पंडित अंबिका दत्त व्यास और पंडित छमाराव, इनके बारे में आपको देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानने को है, बस चलिए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को हमको किस प्रकार से लिखना है। विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे हर एक प्रश्न के उत्तर को। चले देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखें बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का एक प्रकार से मॉडल पेपर है, किसका, संस्कृत का। संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक की पेपर का नाम है, संगणक अनुप्रयोग पेपर का नाम है। आपका पेपर तीन खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ बा और सा। आ से अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, बा से लघु उत्तरी और सा से दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे। जो बा खंड होगा यानी जिससे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी में आपको व्याख्या भी पूछी जाएगी दो। ओके, 50 शब्दों में अति लघु उत्तरी प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ओके, ये बात ध्यान रखें, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आई चीज़ें, तो इस वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर के हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर इसमें हम जानेंगे। ओके, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, और लगभग यहाँ पर हमने 6 जो है दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। दीर्घ उत्तरीय को 6 क्यों रखा, जो कि दो व्याख्या पूछी जाती है, वैसे 4 प्रश्न होते हैं व्याख्या के, लेकिन दो ही प्रश्न आपको करने होते हैं, इस प्रकार से कुछ व्यवस्था की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब कि लघु हम आज देखेंगे 6, व्याख्या खंड हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि व्याख्या खंड हम एक वीडियो में ऑलरेडी आपको पहले एक बार में मैं समझा दूंगा एक वीडियो में, तो उसको लेकर के परेशान ना हो आप। और जो दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे आपके, जो दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे उनकी संख्या जो होगी यहाँ पर 5 होगी, लेकिन करने कितने होंगे आपको, 2 करने होंगे। किसी विश्वविद्यालय में 4 ही प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं, तो करने आपको 2 ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलें देखते हैं। तो पहला प्रश्न में आप 10 खंड देखेंगे, 10 के 10 अनिवार्य हैं। देखिए, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार से पहले के हर एक प्रश्न का उत्तर जो रोमन शैली में लिखा हुआ है, फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से इनको आपको किस तरीके से लिखना है, 50-50 शब्दों में इनके उत्तर को आपको लिखना है। ओके, तो 50-50 शब्दों में इनके उत्तर को लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछ लिया गया कि गद्य काव्य किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गद्य काव्य को लेकर के पूछा गया है। तो गद्य काव्य की बात की जाए भैया, तो गद्य काव्य जो है, वैसे गद्य काव्य की बात की है तो गद धातु जो है संस्कृत का, गद धातु से बना है क्या जो है, और गद धातु में आप देखेंगे यत प्रत्यय लगा दीजिए। गद धातु में अगर हम यत प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बनता है, तभी ना गद्य बनता है ना। तो गद्य किससे बनता है, गद धातु में यत प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो इससे बनता है आपका गद्य। ओके, दंडी और अग्नि पुराण के अनुसार अगर बात की जाए तो गद्य को स्वरूप बताया गया है, किसका स्वरूप बताया गया है, देखिए, एक जो है छंदो विशिष्ट पाद से रहित पद समूह को गद्य कहते हैं। किससे, छंदो विशिष्ट पाद से रहित
पद समूह को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, यानी आपादः पद संतानो गद्य तदापि गद्यते। ये अग्नि पुराण में आप देखेंगे, और खासकर दंडी जो विचारक रहे हैं, दंडी काव्य शास्त्री भी हैं। ओके, तो दंडी और अग्नि पुराण में आप देखेंगे गद्य को एक स्वरूप बताया गया है। कैसा स्वरूप? कि यानी छंदो विशिष्ट पाद से रहित पद समूह को हम गद्य कहते हैं। ये परिभाषा रही है, चाहे दंडी की परिभाषा मान लें और चाहे अग्नि पुराण के अनुसार लिखेंगे, तो ये परिभाषा याद रखिएगा। संस्कृत का श्लोक है, उसी से एक प्रकार से इसकी हिंदी रूपांतरण है, यानी कि आपादः पद संतानो गद्य तदापि गद्यते। समझ गए बातें? तो आपादः पद संतानो गद्य तथापि गद्यते, ये संस्कृत की परिभाषा है, जिसकी हिंदी मीनिंग है छंदो विशिष्ट पाद से रहित पद समूह को गद्य कहते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के गद्य की अगर एक परिभाषा और मैं आपको बताऊं, तो एक अपनी परिभाषा सुनिएगा कि गद्य का भैया उस काव्य को कहते हैं जो पदबंध से रहित होती है। किससे रहित होती है? पदबंध से रहित होती है। जरूरी नहीं कि राइमिंग वर्ड आपको मिलाना ही मिलाना है, वो नहीं देखना है। अपने भावों और विचारों को इस प्रकार से व्यक्त करना जिससे लोगों तक बातें, आपके विचार पहुंच जाए, आपके दर्शन पहुंच जाए, आपकी जानकारी पहुंच जाए, और किसी पद बंध का इसमें जो है खतरा नहीं रहता। तो गद्य काव्य उस काव्य को कहते हैं या उसे कहते हैं जो पद्य बंध से रहित होता है, जिसमें रस भाव, इसके अलावा भाषा, ठीक है, रस भाव और लिखिए भाषा, इसके अलावा और लिख लीजिए अलंकार, क्या लिखेंगे, अलंकार, इन सभी का सुंदर समन्वय हुआ होता है। रस भाव भाषा अलंकार सुंदर समन्वय जिनमें हुआ होता है, तो गद्य काव्य उसे कहते हैं खास करके जो कि पद से बंध होता है, गद्य जो है उससे मुक्त होता है। गद्य खास करके आप देखें, गद्य दूसरा होता है, गद्य काव्य यानी कि गद्य शैली में लिखा गया काव्य। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसी कविताएं, जैसे अंधेरे में कविता आप पढ़ेंगे, किसकी है अंधेरे में कविता हिंदी साहित्य में, तो ये फैंटेसी है एक प्रकार से। किसकी है? मुक्ति बोध की है, गजानन माधव मुक्ति बोध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फैंटेसी के कवि के रूप में जाने जाते हैं, स्वप्नात्मक विश्लेषण करते हुए बिंबात्मक प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। तो उसी में कविता जो है अंधेरे में, खास करके BHU के सिलेबस में अब आप देखेंगे तो वहाँ के सिलेबस में MA सेकेंड सेमेस्टर में रखा गया है। ओके, अंधेरे में कविता को। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि जो गद्य काव्य होता है गद्यात्मक शैली में लिखा जाता है, लेकिन उसमें रस भी होता है, भाव भी होता है, और भाषा भी ठीक ठाक होती है, और इसके अलावा अलंकारों का भी प्रयोग होता है यत्र तत्र, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? पद बंध नहीं होता है, मतलब कि छंद बद्ध नहीं होती कविता। छंद से मुक्त होकर के जो कवि लोग होते हैं, वो रचनाएं जब लिखते हैं, वो जब लिखते हैं कोई कविता लिखते हैं, तो उस प्रकार की कविता गद्य काव्य कहलाती है। ठीक है, यानी कि गद्य और पद्य का मिला जुला रूप। अच्छा, संस्कृत गद्य काव्य की बात की जाए तो संस्कृत गद्य काव्य के, आपसे पूछ ले कि गद्य काव्य के कितने भेद हैं, तो संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद हैं भैया? दो ही भेद हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला है कथा और दूसरी है आख्यायिका। तो दूसरा ही प्रश्न आप समझ लो, तो पहला प्रश्न होगा गद्य काव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। प्रश्न अगला है कादंबरी कथा है या आख्यायिका है। तो सबसे पहले जान लो कथा और आख्यायिका होती क्या है। ये गद्य काव्य के दो भाग हैं, दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। गद्य काव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है कथा, एक होता है आख्यायिका। कथा जो होती है भैया, कथा जो होती है ये कवि की कल्पना पर आधारित होती है, यानी कथा कवि कल्पित होती है। और आख्यायिका की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो आख्यायिका की कथा वस्तु सत्य होती है। आख्यायिका की कथा वस्तु सत्य होती है, जबकि जो कवि कथा होती है, इसकी जो एक प्रकार से जो कथा होती है वो कवि के द्वारा, कल्पना के द्वारा बनी हुई कथा होती है। ये पहला एक प्रकार से दोनों में डिफरेंस और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन समझ लीजिए। कथा की और विशेषता जानिए। कथा का वक्ता जो होता है वो नायक से कोई इतर व्यक्ति होता है, जो नायक होता है उससे कोई इतर व्यक्ति होता है जो कि जो है वक्ता होता है वही। और आख्यायिका में आप देखेंगे नायक स्वयं आख्यायिका का वक्ता होता है, यानी कि जो आख्यायिका कह रहा है वो स्वयं ही उसका नाटक होता है, मतलब कि नायक होता है। इसमें ये होता है कहानी कोई दूसरा कह रहा है लेकिन नायक उसका कोई दूसरा है, यानी हीरो उसका कोई दूसरा है। तो ये कथा में होता है, आख्यायिका में नायक भी वही होता है जो कि आख्यायिका कहने वाला होता है।
तीसरी बात यह है कथा उच्छ्वास का विभाजन नहीं होता है कथा में, और आख्यायिका में विभाजन उच्छ्वासों में होता है। आप देखेंगे मतलब कि सांसों के हिसाब से एक प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है कितने समय के लिए किस प्रकार से, तो इसमें कथा में विभाजन नहीं होता क्योंकि कथा ज़्यादा लंबी नहीं होती। आख्यायिका में देखेंगे विभाजन भी होता है। ओके, इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है कथा में कन्या हरण संग्राम विप्रलम इन सभी का वर्णन होता है, इन सभी श्रृंगारों का, जबकि आख्यायिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से आख्यायिका और कथा में कुछ बातें आपने समझ ली। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें कादंबरी की, कादंबरी किसकी रचना है भैया, कादंबरी किसकी रचना है, तो बाण भट्ट की है रचना। किस कौन रचना, कादंबरी। हर्ष चरित्र भी बाण भट्ट की ही रचना है, बड़ी फेमस रचना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भैया अच्छा, दस कुमार चरितम किसकी रचना है, तो ये दंडी की रचना, दस कुमार चरितम। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार भी दंडी हैं आपके। ओके, मृच्छकटिकम किसने लिखा है, तो महाकवि शूद्रक जो है इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी शिवराज विजय के रचनाकार हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे आपसे पूछे कि मीरा लहरी किसकी रचना, तो पंडित क्षमा राव की रचना है। ये सब कौन है, ये सब कौन है भाई, ये सब संस्कृत साहित्य के ही साहित्यकार हैं। ओके, तो देखेंगे कादंबरी, अगर हम कादंबरी को समझें कि ये कथा है या आख्यायिका है, तो कादंबरी की बात की जाए तो ये बाण भट्ट की अंतिम रचना मानी जाती है कादंबरी, और इसे कथा की कोटि में रखा जाता है कादंबरी को। कादंबरी क्या है, कथा है, और बाण भट्ट ने स्वयं इसे अद्वितीय कथा का विशेषण कहा भी है और इसे मंडित किया है। और इसमें आप देखेंगे कादंबरी में कथा कब कल्पित है, और जब भी कथा जो होती कब कल्पित होती तो वो कथा ही होती है, वो आख्यायिका नहीं होती है। कादंबरी की काल्पनिक कथा कवि के मस्तिष्क की उपज है। इसमें चंद्रापीड और जो है वैश्यपायन के तीन जन्मों का वृतांत जो है बताया जाता है, और इसमें आप देखेंगे विप्रलम्ब श्रृंगार का भी समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से ये उच्च कोटि की कथा की श्रेणी में आती है कादंबरी, ना कि एक आख्यायिका है। तो कादंबरी एक कथा है, ना कि आख्यायिका है। ओके, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, तारापीठ कौन था, उसने किससे उपदेश लिया था। तो तारापीठ कौन था भैया, तारापीठ के बारे में आपसे पूछ रहा है कि तारापीठ जो था वो कौन था आखिरकार। तो तारापीठ की अगर हम बात करें तो तारापीठ जो है ये कादंबरी का ही एक प्रकार से एक चरित्र है, एक पात्र है। सुकनासोपदेश, सुकनासोपदेश जो है ये बाणभट्ट का ही एक प्रकार से रचना है सुकनासोपदेश, और एक जो है कादंबरी में ही आप देखेंगे ये चीज़ मिलेगा आपको। तो कादंबरी के पात्र में आप देखें कौन कौन पत्र लिखा वगैरह इसी के पात्र में आते हैं। ओके, तो प्रश्न क्या है आपसे, प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न है कि जो है तारापीठ कौन था, उसने किसी मतलब उसने किससे उपदेश दिलवाया था। तो तारापीठ जो था ये उज्जैनी का राजा था। तारापीठ कौन था, तारापीठ उज्जैनी का राजा था। इसका लड़का था तारापीठ का एक था, उसका नाम था चंद्रापीठ। चंद्रापीठ जो था इसका लड़का था, चंद्रापीठ किसका लड़का था, उज्जैनी के राजा का लड़का था। उज्जैनी के राजा कौन थे, तारापीठ। तारापीठ उज्जैनी के राजा थे, इनका लड़का था आपका चंद्रापीठ। और चंद्रापीठ जो है इसी को सुकनास जो है नामक अपने योग्य आमात्य जो था, एक प्रकार से उज्जैनी का आमात्य था तारापीठ राज्य का, मतलब कि तारापीठ के राज्य का अमात्य था सुकनास जो था, उससे जो है चंद्रापीठ को उपदेश दिलवाया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सुकनास जो था ये उज्जैनी के राजा तारापीठ का मंत्री भी था, जो कि पंडित और नीतिज्ञ था, दूरदर्शी था, अनुभवी अमात्य था। इसीलिए जो ये चंद्रापीठ थे इनको जो है शिक्षा दिलवाई थी तारापीठ ने चंद्रापीठ से ही, मतलब कि चंद्रापीठ को शिक्षा दिलवाई थी तारापीठ ने सुकनास से। ओके, सुकनास कौन था, तो सुकनास जो है उज्जैनी के राजा जो थे तारापीठ उनका मंत्री था, और ये बड़ा विद्वान भी था, नीतिज्ञ था, दूरदर्शी था, अनुभवी भी था। तो इस प्रकार चीज़ें समझिएगा। ओके, अच्छा बाण भट्ट जो कवि हैं इनके असरदाता कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। आप देखेंगे हर्षचरित इनकी रचना भी है। तो तारापीठ के बारे में समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि सुकनास के अनुसार लक्ष्मी क्या क्या करती है। तो सुकनास के अनुसार लक्ष्मी क्या क्या करती है, सुकनास उपदेश देते हैं उसमें लक्ष्मी के बारे में बताते हैं कि लक्ष्मी, सुकनास कहते हैं कि लक्ष्मी का परिचय कि मतलब कि लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती है। किसकी, लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती है। दूसरी बात,
उच्च कुल को नहीं देखती लक्ष्मी, ठीक है कि आपका कुल अच्छा है तो आपके पास ही जाएगी, किसी भी कुल में जा सकती है। सौंदर्य का विचार नहीं करती, सुंदर हो तो भी आपके पास लक्ष्मी जी गई, नहीं सुंदर हो तो भी गई आपके पास है। पैसा है तो बहुत व्यक्ति सुंदर नहीं है लेकिन पैसे हैं, बहुत व्यक्ति सुंदर है लेकिन पैसे ही नहीं है, तो लक्ष्मी सुंदरता देख करके नहीं जाती। तीसरी बात लिखेंगे सभी लोग, कुल परंपरा का अनुसरण नहीं करती, कि आप किस कुल से हो किस परंपरा से हो डोंट मैटर, इससे नहीं बिलोंग करती लक्ष्मी। लक्ष्मी माता जो है ये बिना ये सब सोचे समझे उसके पास जाती हैं। इसके अलावा न सील स्वभाव देखती है लक्ष्मी माता कि आपका सील स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से आती हैं। न चतुर्था को गिनती है लक्ष्मी माता, ओके, चौथा चतुर्था को नहीं गिनती हैं, पाँचवा सील स्वभाव नहीं देखती हैं, और छठवा शास्त्र को सुनती भी नहीं है, न धर्म का अनुरोध मानती हैं। ठीक है, ये सब उपदेश दे रहा है कौन, ये सब सुकनास उपदेश दे रहा है चंद्रापीड को, ये लक्ष्मी माता के बारे में उपदेश बता रहा है, और कह रहा है कि ना त्याग का आदर करती हैं कौन लक्ष्मी, इस प्रकार से लक्ष्मी जी के बारे में बताया। अच्छा, लक्ष्मी के कुप्रभाव के कारण से झूठे अहंकार से परिपूर्ण राजा लोग क्या करते हैं, इसके बारे में भी सुकनास ने कहा कि देवी मतलब कि देवों को प्रणाम नहीं करते हैं जब जिसके पास पैसा हो जाता है, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते जिनके पास पैसा हो जाता है, आदरणीय जनों का सम्मान नहीं करते जिनके पास पैसा हो जाता है, गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं। तो कहा नहीं जाता, एक कहावत भी है आप देखेंगे गाँव वगैरह में कि मैं पिया जाए सुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो और साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, समझ रहे हैं ना, यानी कि मैं माने होता है मदिरा शराब, और शराब पी जाए और नशा ना हो, व्यक्ति झूमे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूमेगा जरूर झूमेगा, और साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, यानी कि साहिबे वक्त माने खूब पैसा रुपया हो, अय्यासी के दौर का एक प्रकार से पैसा रुपया खूब है आपके पास, लक्ष्मी जी खूब हैं, तो गुरूर ना हो आपके पास, ये हो ही नहीं सकता। जिसके पास पैसा है वो एकदम से देखे कि लगता है अभी नहीं जो है प्रभु जी हाँ उतर गए हैं स्वर्ग लोक से, पैसे का वो घमंड दिखाते हैं कि लगता है कि इनको जो है मरने ही नहीं, ये अमर हो करके आए हैं। अरे पैसा यार, सिकंदर जब गया था पूरी दुनिया विजय करने के लिए निकला था, कितना धन रहा होगा उसके पास, समुद्रगुप्त कनिष्क, ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को, कितने पैसे रहे होंगे लोगों के पास, लेकिन कोई रह गया सब नष्ट हो गए, किसी किसी के लड़के ने मार डाला, अकबर बाबर हुमायूं जहांगीर देखा आपने, औरंगजेब वगैरह सब अपने बप्पा को इधर उधर से कहीं से विद्रोह करके मार के और तमाम प्रकार की चीज़ें करके और लोग गद्दी पर बैठ जाते थे। तो आप अपने पुत्र के लिए जो करते हो, आप आजकल शहरों में आप देखेंगे अपने लड़के के लिए मरा जात है, दुनिया भर के टिटिम करते हैं, न घाम देखते हैं न चाह देखते हैं, भिड़ा है पैसा कमाए चक्कर में, जान पड़ते जीव दे दे हैं आज। लेकिन जब वही लड़का बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, या फिर उनसे बातचीत भी नहीं करता कि 10 मिनट उनसे बैठ करके बात करेगा, जब तक स्वार्थ होगा तब तक बतियाएगा बैठ करके, खूब अच्छा बतवाएगा कि 10 रुपया मिले तो है बप्पा से, अब जब 10 रुपया कमाए लगी हैं वे तो बप्पा से बतवाई हैं तक ना, ये सत्य है आज के वास्तविक समाज का, पूंजीवाद के चक्कर में पूरी दुनिया भ्रष्ट होती जा रही है, खास करके भारत देश जो है अपना, कहने को तो कहते हैं कि भारत देश विश्वगुरु, अरे कहाँ का विश्वगुरु हो गया, आज आप वास्तविकता से परिचित नहीं है, जो कापी किताबों में पढ़ने से लिखने से ज्ञान नहीं मिल जाता है, ज्ञान को अनुभव करना पड़ता है, ज्ञान को जिया जाता है, ज्ञान को पढ़ा नहीं जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, किताबों में जो लिखा है वो वास्तविक चीज़ थोड़ी ना है, किताबें परिवर्तित हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो वैसी चीज़ लिखी जो उस समय के समय काल में थी। जब आप समाज में जाएंगे देखो, कभी आप शांत होकर के कभी जाओ शहरों में, खड़े हो जाओ एक रोड पे, देखोगे सब आ जा रहे हैं, मोटर कार आ जा रही है, किसी को ना किसी से मतलब है, दुनिया से चलती है, डेली का यही नियम है, डेली आप ही जाएंगे आएंगे दौड़ के, ये हो मतलब दुनिया भर का काम है, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि जीवन में अपने माता पिता को अच्छी जो है सुविधा अगर आप लोगों को उन्होंने दिया है, आपकी माता ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रख करके आपको जन्म दिया है, आप सोचो उनकी कितनी बड़ी तपस्या रही होगी, क्या आपसे बोला जाए कि आप किसी को ऐसा कर सकते हैं, आप में से कोई, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है तब जा करके आप इस पृथ्वी पर आते हो, जन्मत मरत दुसाह दुख हुई, जन्म लेते समय बच्चे को इतना कष्ट होता है उतना उससे 2 गुना कष्ट माता को होता है, अच्छा जन्म लेने में बच्चे को भी कष्ट होता है और मरते समय भी बहुत कष्ट होता है,
तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर संस्कृत साहित्य आपका सिखाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ये सब लिख दीजिए। सुकनास के अनुसार लक्ष्मी क्या क्या करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित अंबिकादत्त व्यास को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। ये भी प्रश्न अच्छा है। पंडित अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजयम का प्रथम निवास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसी को लेकर के ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया भैया, प्रश्न है कि पंडित अंबिकादत्त व्यास जी जो हैं इनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया है, किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बताएं। तो शिवराज विजय जो कि शिवराज विजय का जो प्रथम आपका निवास है, प्रथम निश्वास जो है इसको लिखा किसने है, मतलब कि ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसको लिखा पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने। तो आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो पंडित अंबिकादत्त जी का व्यास की बात की, वैसे तो संस्कृत साहित्य के विख्यात महाकवि या गद्य कवि बोल सकते हैं इनको, ये गद्य कवि रहे हैं अंबिकादत्त व्यास जी। और इनका जन्म जो हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ, कब हुआ 1858 ईस्वी में पंडित अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म हुआ। और ख़ास करके आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु जो होती है 1957 जो है में होती है। और आप देखेंगे मार्गशीर्ष त्रयोदशी सोमवार को इनकी मृत्यु हुई। अच्छा ये जो है ओके, आप एक बार और देख लीजिएगा। वैसे पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की बात की इनकी विभूतियों की, तो व्यास जी की जो है इनकी विभूतियों के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से इनकी विभूतियों को बांटा गया। जैसे कि इनको जो है घटिका शतक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है लिखेंगे सभी लोग, घटिका शतक भी इनकी एक उपाधि है। इसके अलावा इनको सतावधान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सतावधान भी इनकी एक उपाधि है, किसकी, पंडित अंबिकादत्त व्यास की। इसके अलावा और उपाधि इनकी लिखिएगा, इन्हीं को सुकवि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुकवि भी इनको कहा जाता है ओके, तो ये भी इनकी उपाधि है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा भारत रत्न भी इन्हीं पंडित अंबिकादत्त व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत रत्न ओके, भारत रत्न। इसके अलावा भारत भूषण भी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत भूषण भी इन्हीं को कहा जाता है ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, क्या, भारत भूषण, भारत रत्न। इसके अलावा इनको जो है अभिनव बाण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिनव बाण भी इन्हीं को कहा जाता है, अभिनव बाण ओके, अभिनव बाण ओके, अभिनव बाण भी जो है इनकी ही उपाधि है। तो इस प्रकार से घटिका शतक, सतावधान, सुकवि, भारत रत्न, भारत भूषण, अभिनव बाण, ये तमाम प्रकार की विभूतियाँ हैं, तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से उपाधियां हैं इनसे विभूषित किया जाता है पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को ओके। ये बात ध्यान रखेंगे, इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिवराज विजय के पाठ्य अंश के कथा पात्रों के नाम लिखिए, बताएं। शिवराज विजय के पाठ्य अंश के कथा पात्रों के नाम लिखिए, यही तो प्रश्न है। पाठ्य अंश यानी जो आपके पाठ्यक्रम में उसके कथा के पात्रों के नाम लिखिए। तो भाई आप देखेंगे जो आपके पाठ्य अंश में, उसमें आप देखेंगे योगी राज हो गए, कौन, योगी राज हैं, गौर सिंह हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में है, यवन युवक है, एक ब्राह्मण कन्या है, ये सभी पत्र जो है प्रथम निवास में आए हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और शिवाजी तथा श्याम वटु का मात्र इसमें नाम का उल्लेख किया गया है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं है ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न आपका अगला क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। तो इस प्रकार से शिवराज विजय के जो है अंश के बारे में आपको पता चल गया कि क्या इसमें संकलित चीज़ें ओके, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखेंगे, तो शिवराज विजय के पाठ्य अंश के कथा पात्रों के नाम आपने जान लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है इसे परिभाषित कीजिए। तो कंप्यूटर क्या भैया, कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर को विद्युत का मस्तिष्क कहा जाता है। आप लिखेंगे कि कंप्यूटर को विद्युत का मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। आप आगे लिखेंगे कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूटर्स शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है, और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है गणना करना या गिनती करना। और आज कंप्यूटर को एक नवीन प्रविधि माना जा रहा है। कंप्यूटर को जो है हम परिभाषाओं के द्वारा अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर की परिभाषा आप लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि होती है या प्रक्रिया होती है, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है
जो कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप क्या करती है, विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप से प्रस्तुत करती है। लिखिएगा फिर से, कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप में प्रस्तुत करती है। ये कंप्यूटर की परिभाषा है। इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय। अगला प्रश्न देखेंगे आपके समक्ष है, आठवां नंबर प्रश्न है कि डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं। डिजिटल विषय वस्तु, डिजिटल कंटेंट के जो साधन हैं वो कौन कौन से भैया? तो इसके कई साधन हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका ई बुक्स, ओके, ई बुक्स ही इसका साधन हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वो भी इसका ही साधन है। तीसरी बात, स्लाइड भी इसका एक प्रकार से क्या है, स्लाइड, ये डिजिटल विषय वस्तु है। इसके अलावा चौथा स्रोत कौन सा है आपका, सीडी। पांचवा स्रोत कौन सा होगा आपका, डीवीडी। छठवां स्रोत कौन सा होगा आपका, ई अनुवर्गों का प्रयोग। सातवां आपका स्रोत कौन सा होगा, प्रशिक्षण जो है वीडियोज़ का प्रयोग। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं डिजिटल विषय वस्तु के साधन। एक बार फिर सुनिएगा, कौन कौन से, ई बुक्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, सीडी, डीवीडी, ई अनुवर्गों का प्रयोग, प्रशिक्षण वीडियोस, ये सब, ओके, उनका प्रयोग, ये सब क्या है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नौवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं। ई बुक्स क्या होता है भैया, ई बुक्स के बारे में बताएं सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं भाई? तो ई बुक्स जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहा जाता है। ई बुक्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक कहते हैं। ई माने इलेक्ट्रॉनिक और बुक्स माने बुक, किताब। तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक को ई बुक्स कहा जाता है, ये बात ध्यान लो पहले। तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक का या ई बुक्स का डिजिटल रूप में पुस्तक। डिजिटल रूप में पुस्तक मतलब जैसे कि पीपीटी हो गई आपकी, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये डिजिटल पुस्तक के ही आप अंश देख रहे हो इसको, जो मैंने लिखा है ये डिजिटल पुस्तक ही मान सकते हो एक प्रकार से। तो डिजिटल रूप में जो पुस्तक है उसी को ई बुक्स कहा जाता है। आप देखेंगे ई पुस्तकें कागज के बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती हैं। आप ये लिखेंगे किसके रूप में, तो जो ई पुस्तकें होती हैं वो कागज के बजाय, कागज का प्रयोग जो निम्न पुस्तकों में मतलब कि सामान्य पुस्तकों में होता है उसके बजाय डिजिटल संचिका के रूप में जो है ई बुक्स होता है, जिन्हें आप देखिए कंप्यूटर में पढ़ सकते हो, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो या फिर अन्य डिजिटल यंत्रों के माध्यम से उसको आप देख या सुन या पढ़ सकते हो, ओके। और इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जा सकता है, इन किताबों को बांटा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से, पढ़ा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। और आजकल जो किताबें आपको ना मिल रही हो मार्केट में, वो आप गूगल पर करेंगे सर्च तो आपको किताबों का पीडीएफ मिल जाएगा अधिकतर किताबों का। तो इस प्रकार चीज़ें हैं। और ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती हैं, जिसमें आप देखें पीडीएफ जो है सबसे प्रचलित होता है। पीडीएफ जैसे कि मैं पीडीएफ से आपको पढ़ाता हूँ, तो ये पीडीएफ जो है ये सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है पुस्तकों का। तो पुस्तक जो होती है पीडीएफ फॉर्म में ही ई पुस्तकें अवेलेबल होती हैं गूगल वगैरह पे या क्रोम ब्राउज़र पे। तो आप देखते होंगे ये तमाम प्रकार की चीज़ें। तो क्लियर हो गई कि ई पुस्तक क्या है। ई पुस्तक माने होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक, जिसमें कागज वगैरह का प्रयोग ना हो करके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का प्रयोग करके हम जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष दसवां नंबर, ईमेल क्या है। ईमेल यानी कि जो इंटरनेट मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी को इंटरनेट बोला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल कहते हैं। जैसे कि पहले पत्र लिखना पड़ता था, तो उसमें पत्र को भेजने में किराया लगता था, उसका चार्जेस अलग से होता था, इसके अलावा बड़े लेट में पहुंचता था, समय की बर्बादी होती थी। आज क्या है, ईमेल के माध्यम से क्या होता है, सूचनाएं आदान प्रदान की। तो ईमेल एक प्रकार से डिजिटल सूचना प्रदान आदान प्रदान करने का एक प्रकार से सरकारी माध्यम है, औपचारिक माध्यम है, ओके। यानी लिखेंगे क्या आप लिखेंगे कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है और इलेक्ट्रॉनिक मेल का आशय डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना होता है। ईमेल इंटरनेट का प्रयोग महत्वपूर्ण आयाम हो चुका है और ईमेल सुविधा संचार के अन्य साधनों की अपेक्षा संदेश को तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के व्यक्तियों तक पहुंचाती है या समूह को संप्रेषित करती है। और इस प्रणाली में उपग्रह के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित होते हैं। उपग्रह माने जो है, जो उपग्रह मैंने बोला, उपग्रह माने होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, सैटेलाइट जो होता है कृत्रिम जो उपग्रह होता है उसी को सैटेलाइट बोला जाता है। तो सैटेलाइट के माध्यम से आप देखेंगे जो सूचनाएँ होती हैं वो आदान प्रदान होती हैं।
जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ से बैठ करके पढ़ रहे हो, वो चीज़ एक प्रकार से क्या है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये ईमेल नहीं है। ईमेल आप लोग सभी लोग जानते होंगे, खास करके ईमेल जानते हैं, ईमेल तो सभी लोग जानते होंगे, तो वही ईमेल होता है। ईमेल में पत्रों का एक प्रकार से ब्यौरा भी लिख सकते हो कि साइड में कितना लिखना, इधर कितना साइड, उसके नीचे लिखना है, फिर दाएं तरफ लिखना है या बाएं तरफ किस प्रकार से लिखना है, एक सीरियल में लिखना है, फिर बीच में एकदम से स्लेट लिखना है, फिर किनारे से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखना है। ये सब फॉर्मेट जो है ईमेल में उपलब्ध हो पाता है और बड़ी तीव्र गति से ये संदेश पहुंच जाता है ईमेल के माध्यम से। पहले तो केवल संदेश जाते थे, अब फोटो भेजाने लगे हैं, वीडियोस भी छोटे मोटे ईमेल के माध्यम से चले जाते हैं। तो ईमेल की बड़ी सुविधा हो चुकी है, खासकर सरकारी दफ्तरों में इसकी बड़ी अच्छी सुविधा हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा यहाँ से, खंडबा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। इसमें हम जो है लगभग 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि इंटरनेट की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है, 200 शब्दों में लिखना है। ओके, यहीं पर आपको व्याख्या खंड पूछा जाता है, व्याख्या वाले प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो शिवराज विजयम मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके अलावा सुकनासोपदेश। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास पंडित अम्बिका व्यास द्वारा रचित है, और जो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, सुकनासोपदेश, ये बाणभट्ट की रचना है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आपको व्याख्या को लेकर के प्रश्न आएगा। एक दिन टाइम मिलेगा तो हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ओके, चले फिर प्रश्न आपके समक्ष है क्या कि इंटरनेट की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो भैया इंटरनेट की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में आप देखेंगे संचार का तकनीकी युग आपके समक्ष आ चुका है। लोग जो है हर एक बंदे के पास फ़ोन है, सभी लोगों के पास फ़ोन है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब लगभग जो है जो व्यक्ति कोई 20 साल से नीचे होगा उसके पास फ़ोन ना होगा। 20 साल से ऊपर के सभी बच्चों के पास आजकल फ़ोन होगा, वैसे 18 के ऊपर ही फ़ोन हो गया होगा सभी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं 20 मान करके चल रहा हूँ कि 20 से पार जितने भी लोग हैं अधिकतर लोगों के पास फ़ोन होता है। जो आजकल के युवा पीढ़ी, उनकी मैं बात करो, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस पीढ़ी के, तो नहीं तो आप सोचो कि नहीं उसमें सर जी आप क्या डाटा बता रहे हो, ये डाटा करेक्ट नहीं है। तो वो पहले का डाटा छोड़ दीजिए, आज का डाटा लीजिएगा। अगर जो 20 साल के ऊपर है और अभी नए नए जो है प्रकार से आए हैं कॉलेज लाइफ, तो उनके पास फ़ोन ज़रूर होगा, वो भी टच फ़ोन होगा, स्क्रीन टच फ़ोन होगा। ओके, सभी के पास। तो इंटरनेट की आवश्यकता आप देखेंगे खास करके इन सभी हर क्षेत्र में, आजकल प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र में समस्याओं के निवारण के लिए इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग करता है। ये सब आप देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है इंटरनेट। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोग घर बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है आपके फ़ोन में, तो आप हमारा लेक्चर नहीं देख पाओगे यूट्यूब पर। यूट्यूब खुलेगा नहीं, लिखेगा नो कनेक्शन, और उसी में से जो है इरर उरर लिख करके आएगा। तो जब आप डाटा ऑन करोगे, जब आपके डाटा होगा आपके पास, तो ही आप जो है यूट्यूब की वीडियोस को देख सकते हो, यानी कि मेरी वीडियोस को देख सकते हो। अगर नहीं होगा डाटा, यानी नेट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, नेट को शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट को नेट बोलते हैं लोग। ओके, वही नेट इंटरनेट एक ही बात है। तो इंटरनेट की आवश्यकता पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा किस क्षेत्र में भाई, यातायात जगत में आप देखेंगे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो चुका है। आप देखते होंगे इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग प्रकार की चीज़ें, लोकेशन, ये तमाम प्रकार की चीज़ें पता लगा ली जाती हैं कि हाँ कहाँ पर कौन सी ट्रेन अभी है, या कहाँ पर कौन सी बस है, या किस प्रकार से हमको कहाँ पर बुकिंग करनी। तो सब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक हो रहे हैं। तमाम प्रकार की जो जटिलताएं थी मनुष्य के जीवन में, उन जटिलताओं को सरलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन, आपका इंटरनेट। ओके, ये बात यहाँ पर आपकी समझ में आ गई। तो इंटरनेट की आवश्यकता इसीलिए भी है। तीसरी बात ये कि व्यावसायिक जगत में आप देखेंगे, कहीं पर आप देखें आज व्यावसायिक जगत में इंटरनेट का बोलबाला है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं व्यावसायिक माध्यम से ऑनलाइन लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने सामानों को उपलब्ध करवा रहे हैं और उन सामानों को एक प्रकार से उनके घर तक भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि खाना, यानी कि जो है खाना से लेकर के कपड़ा तक, सुई से लेकर के और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक, सभी जो है ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो, चाहे तमाम प्रकार के ऐप हैं, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, नहीं आप लोग कहोगे कि सर जी जो है आपको कुछ पैसे मिले होंगे इसके लिए। तो खास करके मैं आपको बताऊँ कि
मैंने एक जो है वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 मूवी जो कि ऐतिहासिक मूवी हैं खास करके उनको बताया था ताकि आपकी हिस्ट्री की नॉलेज हो जाए। उसको कहा था कि ये मूवी जो है अच्छी है, आप इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर जी आपको कितने पैसे मिले इस मूवी का प्रचार करने के लिए। तो मैंने बोला भाई जो है मैंने क्या बोला उसमें ज़्यादा कमेंट में अगर रिप्लाई करूँ इन सभी जो है सभी चीज़ों का तो उतना उचित नहीं होता। तो खास करके एक भी पैसा नहीं मिलते मेरे भाई, इन सभी के पैसे अब मूवी वाले थोड़ी ना हमको ऑफर करेंगे कि हाँ ये आप जो है अपने चैनल पर प्रचार करो। मैं प्रचार की दृष्टि से उसको नहीं डाला था भाई, मैंने जो है उसको इसलिए डाला था ताकि आप लोगों का जो है क्या हो सके, आप लोग देखें अगर समय मिले तो। इसे और तमाम प्रकार की मूवी आप देखते होंगे, इधर उधर दिन भर फ़ोन लेकर के रील चलाते होंगे, तो आप एक बार ऐतिहासिक मूवीज़ को देख लेंगे तो कुछ इतिहास की जानकारी ही बढ़ जाएगी। या फिर कुछ रिसर्च करके ही इतिहास की मूवी लोग बनाते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो आपके जो कथा निर्देशक होते हैं वो खास करके आप देखेंगे वो पहले उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में तब उस पर जो है बनाते हैं। तो पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में फिर वो जो है उस पर मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इंटरनेट की आवश्यकता आज आप देखेंगे व्यवसायिक जगत में खूब हो चुकी है। आप ऑनलाइन जो है पेटीएम के माध्यम से कैश लेन देन होता है। पहले लोग जो है क्या करते थे, कैश देते थे, यानी कि हाथों से मुद्राओं का एक्सचेंज करते थे, उधर से सामान लिया, इधर से मुद्रा को दिया, राज की मुद्राओं को प्रदान किया उसको। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से आप देखेंगे कि आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा या फिर स्कैनर ऑन करेंगे और उसका जो बार कोड होगा उस पर केवल अपना जो है कैमरा ले जाएंगे और तुरंत क्या होता है वो चेक से जो है कुछ करता है, जितने पैसे आपको काटना है सब बता दो कि इतने पैसे देना है, उनके खाते में पहुँच गया दुकानदार के। कितनी सुविधा हो चुकी है, आप घर बैठे जो भी चाहो खाना से लेकर के पिज्ज़ा तक मंगवा सकते हो। तो ये सोचो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही तो संभव हो चुका है। तो इंटरनेट ये जो है व्यवसायिक जगत में भी अच्छे खासे मात्रा में है। इसके अलावा पांचवी बात आप देख सकते हो, गृह प्रवेश के क्षेत्र में, गृह प्रवेश के क्षेत्र में भी आप देखेंगे घर में खास करके तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, हर घर में आप देखेंगे तो इंटरनेट की एक सुविधा है। कहीं पर कुछ लाना हो तो SMS कर दिया WhatsApp पर कि हाँ शाम को लौटते वक्त जो है आधा किलो एक प्रकार से प्याज लेते आना, 100 ग्राम लहसुन ले आना या 50 ग्राम हरा मिर्चा ले आना, एक गड्डी धनिया ले आना, इस प्रकार से SMS आ जाते हैं। ये चीज़ है इंटरनेट का, ओके। इसके अलावा आप देखेंगे संचार प्रौद्योगिकी में भी, आप देखेंगे संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान में बहुत ज़्यादा उपयोग हो चुका है। आजकल आज के युवा जो है WhatsApp, Facebook, Instagram और इसी प्रकार से Twitter, तमाम प्रकार के ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पर लगातार एक्टिव रहते हैं और बातचीत भी करते हैं, उस पर मैसेंजर वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिससे क्या होता है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में बातचीत किया करते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर कि इंटरनेट का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में होता है। तो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखेंगे, सूचना संप्राप्ति के क्षेत्र में आप देखेंगे सूचना एक्सचेंज करना हुआ या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप एक दूसरे से बात करना हो, तो तमाम प्रकार की चीज़ों में आज इंटरनेट ने अपना स्थान बना लिया है। तो इंटरनेट की आवश्यकता इन सभी क्षेत्रों में आज प्रासंगिक भी है और उपयोगी भी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर जो होता है खास करके इसकी अगर बात करें हम, तो सॉफ्टवेयर आपका ये सॉफ्टवेयर की बात की तो कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी युक्तियों से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये ना देखे ही जा सकते हैं और ना ही इन्हें छुआ जा सकता है, यानी कि ये अमूर्त होते हैं और कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विधिवत एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर यही होता है आपका, ओके। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझ में आ गई, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ये चीज़ क्लियर हो गई भैया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से आप देखेंगे कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, यानी कि ये क्या होता है अमूर्त होता है, ओके, अब्स्ट्रैक्ट होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट, ओके। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार का होता है सॉफ्टवेयर, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा जो होता है आपका वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला कौन सा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को, यानी कि जो हार्डवेयर होता है उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, और इन्हीं वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो आपके मोबाइल में WhatsApp
ये ऐप ही तो है, तो फेसबुक ये सब एक ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी वजह से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें कार्य कर पाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, और आप उस पर काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अपनी विंडोज़ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गया, या जो है कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ओके, बात की जाए एप्लीकेशन, यानी कि आपका फ़ोन जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फ़ोन के अंदर जो आपका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि उसको बनाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे कि फेसबुक पर फोटो डालना हुआ, इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील डालना हुआ, यूट्यूब पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियो डालना हुआ, ये सब जो है क्या होता है, ये सब जो है अलग अलग उपयोगिता के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं और उन पर चीज़ें लोग मतलब कि लोग कार्य करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे इसमें से कुछ तो फ्री में आपको देखेंगे जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध होते हैं, कुछ के लिए फीस देनी पड़ती, चार्ज लगते हैं। जैसे कि आपको फोटो संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फोटोशॉप या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज कर सकते हो, जैसे MX प्लेयर, ये एक ऐप है, फोटोशॉप या पिक्सल ऐप, पिक्सार्ट, ये तमाम प्रकार के फोटो मेकर ऐप हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कई सारे उदाहरण, जैसे कि फोटोशॉप ऐप हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, और इसके अलावा MS एक्सेल हो गया, ये सब भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आप देखेंगे, खासकर कंप्यूटर में आप इन सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर मैं कंप्यूटर के हिसाब से आपको डिनोट करवा रहा हूँ, हालांकि फ़ोन में भी होते हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर। ओके, लेकिन ये दूसरे तरीके से होते हैं। तीसरी बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को रिपेयर करना, यानी सर्विस करना है, रिपेयर करना होता है, और साथ ही या ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने के काम भी करते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता और गति को बढ़ाया सकता है। इसमें से बहुत कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ को अलग से लेना पड़ता है, यानी कि जैसे एंटीवायरस हो गए, डिस्क डी फ्रेंग मैटर हो गए, ये तमाम प्रकार ये सब उदाहरण होते हैं इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो ये समझ में आ गया यूटिलिटी और सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है, शिवराज विजय के पठितांश के आधार पर, यानी कि जो आपको पढ़ना था उसके आधार पर आप देखेंगे, शिवराज विजय के पठितांश के आधार पर, यानी जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से या उसके आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कि शिवाजी और गौर सिंह की चार चार विशेषताओं के बारे में बताएं। यानी जो आपने पढ़ा तो उनमें शिवाजी और गौर सिंह इनकी चार चार विशेषताओं के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम शिवाजी की विशेषताओं को समझते हैं। तो शिवाजी शिवराज विजय नामक महाकाव्य के नायक हैं, जो कि महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं, और ये प्रसिद्ध राजा हैं और कुशल गुप्तचर व्यवस्थापक भी इनको माना जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे पहली विशेषता शिवाजी की, कुशल गुप्तचर व्यवस्थापक, दूसरी विशेषता धर्म रक्षक, तीसरी विशेषता स्वाभिमानी हैं ये, और चौथी विशेषता शासक तथा देश प्रेम की भावना इनके अंदर विद्यमान है। ये चार विशेषताएँ होंगी किसकी भाई, ये चार विशेषताएँ हैं आपकी शिवाजी की। दूसरा जो पात्र है उसका नाम है गौर सिंह। गौर सिंह जो हैं ये शिवराज विजय महा जो गद्य काव्य है इसकी कथा वस्तु के अंतर्गत गौर सिंह एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और गौर सिंह की बात की जाए तो पहली विशेषता इसकी ये चतुर है, दूसरी विशेषता वीर है, तीसरी विशेषता ये निर्भीक है यानी कि डरने वाला नहीं है, चौथी विशेषता ये वेश परिवर्तन करने में निपुण है, और विश्वस्त गुप्तचर भी रहा है, विश्व स्तर का गुप्तचर रहा है कौन, जो आपका गौर सिंह है। तो इस प्रकार से शिवराज विजय के पठित अंश के यानी कि प्रथम निश्वास के आधार पर मैंने केसरी यानी कि महाराष्ट्र केसरी यानी वीर शिवाजी के बारे में आपको बताया, उनकी विशेषताओं को, और इसके अलावा जो है गौर सिंह की विशेषताओं को हमने बताया। ओके, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पंडित अंबिकादत्त व्यास की संस्कृत हिंदी की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। बड़ा फेमस प्रश्न है, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की संस्कृत हिंदी की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताएं। तो भाई ये पूछ रहा कि व्यास जी ने संस्कृत या हिंदी में, अच्छा पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है ये
हिंदी में भी रचनाएं, मतलब कि हिंदी के भी कवि रहे हैं, हिंदी के भी लेखक हैं ये, ओके। और खास करके गद्य लेखक रहे हैं हिंदी में, आप देख पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। तो व्यास जी ने आप देखेंगे शिवराज विजय, ये संस्कृत का है। इसके अलावा सामवतम, ललिता नाटिका, अबोध निवारण और सांख्य सागर सुधा, इन सभी संस्कृत की रचनाएं हैं जो कि इन्होंने लिखी है। इसके अलावा हिंदी में आप देखेंगे कथा कुसुम, बिहारी विहार, गद्य काव्य मीमांसा, कुंडली दर्पण, चतुरंग चातुरी, ये सब हिंदी की इनकी रचनाएं हैं जिनका इन्होंने प्रणयन किया नहीं लिखा। एक बार फिर से जानिएगा, पंडित अंबिकादत्त व्यास संस्कृत और हिंदी के दोनों के ये गद्य लेखक हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अंबिकादत्त व्यास की एक प्रकार से जो संस्कृत की रचनाएं हैं, पहली रचना है शिवराज विजय, दूसरी रचना सामवतम, तीसरी रचना ललिता नाटिका, चौथी रचना अबोध निवारण और पांचवी रचना है इनकी सांख्य सागर सुधा। तो ये पांच रचनाएं इनकी कौन सी हो गई, संस्कृत की हो गई, कौन सी हो गई, संस्कृत की हो गई। अच्छा, दूसरी ओर आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरी ओर अगली रचना किससे पूछी जा रही है, हिंदी की भी पांच रचनाएं पूछी जा रही। तो हिंदी की पहली रचना कौन सी आप लिख सकते हो, कानन कुसुम, दूसरी रचना बिहारी विहार, तीसरी रचना क्या लिख सकते हो, गद्य काव्य मीमांसा, चौथी रचना लिख दीजिएगा कुंडली दर्पण, और पांचवी रचना लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों चतुरंग चातुरी। तो इस प्रकार से जो पाँच रचनाएँ हैं ये हिंदी की इनकी हैं, पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की, और ये रचनाएँ जो हैं आपकी ये किसकी हैं, ये संस्कृत की रचनाएं हैं, ओके। ये बात क्लियर हो गई आपकी, इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन चीज़ों को, ओके। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए भैया, चले अगला प्रश्न देखिएगा। छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, छठवां नंबर प्रश्न है कि सुकनास क्या उपदेश देकर के अंत में चुप हो गए थे, सुकनास क्या उपदेश देकर के अंत में चुप हो गए थे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सुकनास जो थे वो क्या उपदेश देकर के लास्ट में चुप हो जाते हैं, बताएं सभी लोग, सुकनास जो है लास्ट में क्या उपदेश देकर के चुप हो जाते हैं। सुकनास उपदेश का ये है, तो बताएं सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और सुकनासो उपदेश जो है ये मूल रूप से कादंबरी जो इनकी बाणभट्ट की रचना है इसी का एक अंश है, और गद्य साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट है तो पता ही होगा, कादंबरी एक कथा काव्य रहा है, और आप देखेंगे जो है इसके अलावा बाणभट्ट की और भी रचनाएं, जैसे हरिश्चरितम, हरिश्चरित इनकी बड़ी फेमस रचना है। और बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था, पिता का नाम चित्रभानु था, भाइयों के नाम चित्रसेन, मित्रसेन, और ये था, और बाणभट्ट देव जो थे ये वात्यायन वंश के संबंध, मतलब कि वात्यायन वंश से संबंधित थे, ओके, ये बात क्लियर हो गई। प्रश्न क्या है कि सुकनास क्या उपदेश दे करके अंत में चुप हो जाता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो अंत में जब चंद्रापीठ को ये समझा रहा होता है सुकनास, जो कि जो है तारापीठ का क्या है, अमात्य है, और मुख्य रूप से बड़ा विद्वान है सुकनास, तो सुकनास जब अंत में राजकुमार चंद्रापीठ से कहता है ये सुकनास कि राज्याभिषेक के पश्चात, यानी जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा उसके बाद में दिग्विजय करना आरंभ करना, क्या करना, दिग्विजय करना आरंभ करो, और यात्राएं करते हुए सात दीपों रूपी आभूषणों से युक्त तथा तुम्हारे पिता द्वारा जीती गई हुई जो पृथ्वी है इसको फिर से जीतो। आप सोचो कि जो चंद्रापीठ है उससे कह रहा है सुकनास लास्ट में कि जितनी ज्ञान मैंने दिया तो सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा उसके बाद में तुमको क्या करना है, दिग्विजय करना है, सब जगह जो है चौतरफा दसों दिशाओं में आपको जाना है, युद्ध लड़ना है, यात्राएं करनी है, सातों दीपों रूपी आभूषण से युक्त जो धरती है जो तुम्हारे पिता तारापीठ ने जीती थी उस पृथ्वी को फिर से आपको जीतना है। अपना प्रताप प्रभाव जमाने का सबसे अधिक उपयुक्त समय यही है, ये सुकनास चंद्रापीठ को समझाते हैं और कहते हैं क्योंकि राजा अपना प्रभाव जमा लेता है, वह ऐसा बन जाता है जिसकी आज्ञाओं का सभी ऐसे पालन करते हैं जैसे किसी त्रिकालदर्शी ऋषि की भविष्यवाणी यानी सिद्धादेश सदा सच निकलती है। यह कहकर, मतलब कि यह कहकर सुकनास चुप हो जाता है, और यही जो है ये लास्ट रहा है सुकनास उपदेश का। तो ये जो है यही उपदेश दे करके तो सुकनास से चुप हो जाते हैं और चंद्रापीठ को ये उपदेश देते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। सुकनास के बारे में आपके समझ में आ गए, ओके। अच्छा, सुकनास के मध के बारे में, मतलब कि लक्ष्मी के मध के बारे में सुकनास ने क्या कहा है, तो कहा कि लक्ष्मी से चढ़ा हुआ या भयंकर, मतलब कि बहुत भयंकर है,
या वृद्धावस्था में भी उतरता नहीं है। बहुत सी समृद्धि रूप मोतियाबिंद द्वारा उत्पन्न किया गया अंधापन दूसरे ही प्रकार का होता है और कष्ट देता है। यह अंधापन अंजन की बत्ती लगाने से अच्छा नहीं होता। अहंकार रूप दाहक ज्वर की भयानक गर्मी सामक औषधियों से शांत नहीं होता है। ये लक्ष्मी के मध के बारे में सुकनास ने कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी के कौन कौन गुण लेकर के उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से, इस बात को लेकर के सुकनास क्या कहता है, कहता है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर से हुई है और समुद्र मंथन से 14 रत्नों में लक्ष्मी जी भी निकली थी और यह जन्म से ही राग टेढ़ापन चंचलता अस्थिरता मोहन शक्ति मद एवं निष्ठुरता लेकर के माता लक्ष्मी पैदा हुई, ऐसा जो है बाण भट्ट कहने का प्रयास करते हैं अपनी रचना सुकनासोपदेश यानी कादंबरी के एक अंश में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष, दंडिना पदलालित्यम से क्या तात्पर्य है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, दंडिना पदलालित्य, प्रश्न क्या है, दंडिना पदलालित्यम से क्या तात्पर्य है। तो दंडी का गद्य जो है अत्यंत ललित और वाक की योजना जो है इनकी सरल है, सुंदर एवं स्वाभाविक रूप से ये हर रचनाओं को लिखने का प्रयास करते हैं। दंडी आचार्य दंडी और आचार्य दंडी जो हैं इनके गद्य में भाषा का नैसर्गिक रूप स्वरूप विद्यमान है। ओके, यही सब जो है इसका जो है पद लालित्यम का मतलब होता है। दंडी का जो पद लालित्य है, इनके जो रचनाओं में जो लालित्य है वो क्या है, इसी लालित्य को ही हम किस प्रकार से आप लिखेंगे कि दंडी का गद्य साहित्य या गद्य अत्यंत ललित है, अच्छा है, वाक्य योजना सरल है, सुंदर है वाक्य योजना और स्वाभाविक है, और दंडी के गद्य में भाषा का नैसर्गिक स्वरूप लोकोक्तियाँ मुहावरे एवं अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में स्वतः लालित्य आ गया है इनके दंडी के, और ललित पदावली का एक उदाहरण भी इन्होंने दिया है। उदाहरण है कि तस्य बसुमस्ती नाम सुमति लीलावती कुल शेखर मणि रमणी बभुवा। ओके, ये उदाहरण है इनकी एक पदावली का, ललित पदावली का। ओके, इस प्रकार की अलंकृत भाषा के प्रयोग के कारण से उनके संबंध में दंडिना पद लालित्यम सूक्ति प्रसिद्ध है कि दंडी का जो पद है वो लालित्य से परिपूर्ण है, ये इसका मतलब हुआ। तो इनके भाषा में इनकी शैली में गद्य काव्यों में आप देखेंगे लालित्य योजना और अलंकारिकता विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है दंडी के रचनाओं में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि शिवराज विजय जो है ये गद्य काव्य किस श्रेणी में आता है, तो शिवराज विजय जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है, ऐतिहासिक उपन्यास है और व्यास जी ने शिव जी के ऐतिहासिक कथानक पर कल्पना का रंग चढ़ा करके उसे हृदयग्राही बना दिया। और जिस भी रचना में आप देखेंगे संस्कृत में जिसमें जिस कथा में कल्पना होती है वो कथा क्या होती है, जिस कथा में भैया कल्पना होती है वो कथा क्या होती है, वो तो कथा ही होती है ना, वो आख्यायिका तो होती नहीं है। तो आपसे मैंने पहला प्रश्न एक बार डिस्कस किया था कि कादंबरी कथा है या आख्यायिका, तो कादंबरी क्या है जो बाण भट्ट की रचना है, ये जो है कादंबरी जो है ये एक कथा है चूँकि उसमें क्या है कल्पना है। तो इसी प्रकार से शिवराज विजय जो है ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी व्यास जी ने शिव जी के ऐतिहासिक कथानक पर कल्पना का रंग चढ़ा करके उसे हृदयग्राही बना दिया है और इसकी शैली बिल्कुल कादंबरी के समान आप देखेंगे, इसमें वाक्य विन्यास हुआ, रस हुआ या अलंकार हुआ, इन सभी का समन्वय प्राचीन परंपरा के अनुसार ही किया गया है और रूप विधान जो इसका पाश्चात्य, पाश्चात्य माने जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके परंपरा के अनुसार इसका रूप विधान किया गया है। बाकी जो रस है, अलंकार है, छंद है, वाक्य विन्यास है, इनका प्रयोग भारतीय शैली में किया गया, प्राचीन शैली में किया गया है। और जिस भी जो है रचना में आप देखेंगे इस प्रकार के रसों का, अलंकारों का प्रयोग होता है वह आख्यायिका नहीं, वह क्या होता है, वह आपका गद्य काव्य ही होता है। आख्यायिका में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें यानी कि जो शिवराज विजय है इसे प्राच्य एवं प्राचीत शैली का समन्वात्मक प्रतिद्वंद मतलब कि प्रगतिवादी उपन्यास कहा जाता है। किसको, जो शिवराज विजय है इसको प्राच्य, प्राच्य माने प्राचीन, प्रतीच्य माने क्या होता है,
जो एक प्रकार से क्या है, जो पुरानी मतलब की जो एक प्रकार से पश्चिम की सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता, तो उस शैली, इन दोनों का क्या है मिला जुला, यानी समन्वयात्मक प्रगतिवादी उपन्यास जो है ये कहा जा सकता है शिवराज विजय को। ओके, एक प्रकार से उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, जो कि गद्य काव्य की श्रेणी में आता है संस्कृत साहित्य में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बात बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दंडिना पद ललितम से का मतलब भी आपको पता हो गया होगा, ठीक है। कादंबरी, कथा, आख्यायिका, ये भी मैंने आपको बता दिया। आख्यायिका और कथा में क्या अंतर होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, कि जो है केवल दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंडशा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। कितने शब्दों में भैया? 500 शब्दों में लिखना है। देखिए, अब इन प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिएगा, खुद ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए जो है इस वीडियो इस इनके उत्तर आप जो है मत जो है सोचिए कि मैं आपको इनको बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैं इनको बताऊँगा तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। तो ऐसे संस्कृत साहित्य के गद्य का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, और वैदिक साहित्य का कृष्ण यजुर्वेद जो है इसी दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। किंतु कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण यह भी है कि ये गद्य में है और इसमें गद्य का मिश्रण भी है, इसीलिए उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता गद्य के आदि प्रयोग के दृष्टि से उल्लेखनीय मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि संपूर्ण गद्य साहित्य विशेषता कृष्ण यजुर्वेद एवं ब्राह्मण साहित्य का गद्य वैदिक कर्मकांड की व्याख्या से संबंध होने के कारण प्रायः ब्राह्मण ग्रंथों की शैली का ही माना जाता है। और गद्य का विकास आप देखेंगे, इसका वैदिक काल से आरंभ होकर के प्रवाहित होने वाली गद्य की धारा का इतिहास बड़ा ही सहज और सुखद है। और इस प्रकार से वैदिक काल में लिखा जाने वाला गद्य सरल एवं बोलचाल का गद्य हुआ करता था। अब इसमें बाण भट्ट जैसी प्रवणता एवं समास बहुलता नहीं है, ना इस काल के गद्य प्रतिमान की समास बहुलता एवं जो भूयस के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो गद्य का विकास है ये धीरे धीरे करके बाद में आकर के जब होता है अच्छे तरीके से, जब आप देखेंगे उपनिषद साहित्य का गद्य जो रहा है इसमें ज्ञान कांड का विवेचन हुआ है। तो इस प्रकार चीज़ें हैं, किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे वेदांग साहित्य का गद्य किस प्रकार से है। वेदांग साहित्य के गद्य में समास शैली के दर्शन होते हैं आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अपनी सीरीज वगैरह में देखिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, पंडिता क्षमा राव का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का पर प्रकाश डालिए। बताएं, पंडिता क्षमा राव का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडिता क्षमा राव के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है, एग्जाम पॉइंट में से बढ़िया प्रश्न है पंडिता क्षमा राव के बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। पंडिता क्षमा राव की अगर बात की जाए, पंडिता क्षमा राव की बात की जाए भैया, पंडिता क्षमा राव के बारे में आप सभी को पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है भैया? पंडिता क्षमा राव जो हैं, सुबंधु, पंडिता क्षमा राव, ये सब गद्य साहित्य के एक प्रकार से क्या हैं, संस्कृत साहित्य शूद्रक हो गए, बाण भट्ट हो गए, ये सब बड़े फेमस रहे हैं। ओके, तो पंडिता क्षमा राव का जन्म जो हुआ था, रचना पूछ रहा जा रहा ना कि जीवन परिचय, तो देख दीजिए जन्म वरण बता दूं मैं। पंडिता क्षमा राव का जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1890 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, संस्कृत के ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। और क्षमा राव जो हैं ये 3 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है। उनका जीवन चाची चाचा के पास ही बीता और कष्ट में बीता। उनकी चाची उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजती थी, घर का सारा काम करवाती थी। वह काम करते करते अपनी चाची के बच्चे जो होते थे उनको पढ़ते, मतलब कि जो है प्रकार से अपनी चाची के बच्चे जो पढ़ते थे उसे याद करती जाती, मतलब कि याद कराई जाती थी, इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। और इसके बाद में आप देखेंगे इनके दादाजी इन्हें मुंबई ले आते हैं, जहाँ गरीबी में भी अध्ययन कार्य सही तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करती रही। और जब यह 20 साल की हो जाती है पंडिता क्षमा राव, तो जो है इनका विवाह मुंबई के प्रख्यात राव के साथ हो जाता है। उन्होंने पति के साथ यूरोप भ्रमण भी किया तथा फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं का भी अभ्यास किया। और उन्होंने अपनी पुत्री लीला के साथ महिला युगल चैम्पियनशिप भी जीती थी पंडिता क्षमा राव। और 1953 ईस्वी की बात है, 1953 ईस्वी में इनके पति का देहांत हो जाता है।
क्षमा राव स्वदेशी तथा असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहती थी, परंतु गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थ धर्म के कारण से गांधी जी ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी चला करके देश सेवा की और 22 अप्रैल 1954 की बात है, 1954 ईस्वी में 22 अप्रैल का समय था, 1954 ईस्वी में जो है आप देखेंगे भगवत गीता का पाठ कर रही थी और इसी समय इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो इस प्रकार से पंडित क्षमा राव के बारे में मैंने आपको बताया। इनकी रचनाओं की अगर बात करें पंडित क्षमा राव की, तो कई सारी रचनाएं संस्कृत की रचनाएं इनकी जो हैं, उनमें आप सत्यग्रह गीता देखेंगे, कथा पंचकम देखेंगे, शंकर जीवन आख्यानम देखेंगे, मीरा लहरी हो गई, उत्तर सत्याग्रह गीता हो गई, श्री तुकाराम चरितम, श्री रामदास चरितम, ग्राम ज्योतिम, श्री ज्ञानेश्वर चरितम, स्वाभिजयम, ये सब जो है पंडित क्षमा राव की रचनाएं हैं। तो ये रचना और जीवन परिचय मैंने बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, बाण भट्ट की काव्य कला की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, बाण भट्ट की काव्य कला की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न है, पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है आधुनिक बाण हैं, पंडित अंबिकादत्त व्यास आधुनिक बाण है, इस कथन की युक्ति संगत विवेचना कीजिए, मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के सामान्य नियम बताइए, ये जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी से मतलब संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के क्या क्या नियम होते हैं इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार। इस प्रकार से आप लोगों ने संस्कृत साहित्य के लिखित टाइप के मॉडल पेपर को देखा, इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों के बारे में हमने आज के वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना, 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना, और जो है हमने यहाँ पर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया, कम शब्दों में, ओके। तो इस प्रकार से कुछ बातें तो आपके पल्ले पड़ी हुई होंगी, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलिट्री साइंस का वीडियो अभी चल रहा था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसको भी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, ओके। इसके 8 बजे से लाइव हुई थी, और प्राचीन इतिहास का जो पार्ट 2 था ये भी 9 बजे से लाइव चल रहा था, आप लोगों ने इसको भी देखा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। इस प्रकार से ये सब वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी प्राचीन इतिहास को देख लीजिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, शेयर करिए भाई दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, ओके, शेयर करें भाई सभी लोग, और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ओके, खास करके धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।